पालक पनीर तो आपने बहुत बार खाया होगा, और भी पालक की बहुत सारी सब्जियां खाई होंगी, परंतु क्या आपने कभी चना पालक ट्राई किया है? हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का होम ही लोपी पर। और आज हम अपनी किचन में बनाएंगे चना पालक की ड्राई सब्जी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना। चना पालक बनाने के लिए गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई, जिसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। घी में जो ये सब्जी है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी के गर्म होने पर इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, इसे क्रैकल होने देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हल्का सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। आप इसकी जगह पर चॉप्ड गार्लिक जिंजर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चिल्ली पेस्ट। अब इसमें डालेंगे चॉप्ड ऑनियन, और इसे ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, अब इस स्टेज पर इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग और सारे ड्राई मसाले, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ टमाटर और इसे भी सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। मसाले जले नहीं, इसके लिए इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। मसाले अच्छे से भून चुके हैं, इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे 1 बाउल उबले हुए चने। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और चनों को थोड़ा सा पानी डालकर मसालों के साथ 1 मिनट तक भून लेंगे। चने मसाले के साथ अच्छे से पक चुके हैं, अब इसमें डालेंगे पालक। पालक को हमने अच्छे से धोकर साफ करके और बारीक बारीक काट लिया है। पालक हमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ेगा, क्योंकि पालक है वो पकने के बाद बहुत कम रह जाता है। अब इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर ढककर पालक के सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। पालक है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और चनों के साथ मिक्स हो गया है। तो लीजिए, तैयार है हमारी बढ़िया सी ड्राई चना पालक की सब्जी, जो टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही न्यूट्रिशियस भी है और आयरन और प्रोटीन रिच है। तो अब इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? है ना न्यूट्रिशियस? तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, और यदि रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।